चलते हैं आपको मध्य प्रदेश, जहां पर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ की ओर से अपने बर्थडे के ठीक पहले मंदिर की प्रतिकृति का एक केक काटा गया, जिसको लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी के कई नेता एक के बाद ताबड़तोड़ कमलनाथ पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, बीच में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं। कमलनाथ के सामने मंदिर की आकृति वाला केक रखा है। उत्साहित कार्यकर्ता कमलनाथ को कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, और कमलनाथ केक से बने मंदिर पर छुरियां चला देते हैं। पहली नजर में ये जन्मदिन का केक काटने का मामला है, मगर सियासी नजर में एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मंदिर से बना केक पर बने हनुमान पर कमलनाथ ने चाकू कैसे चला दिया। ये बंगला भगत है, इनका भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये वो पार्टी जो कभी राम मंदिर का विरोध करती थी, अब देखा कि नहीं इसके कारण तो वोटों का नुकसान हो जाता है, तो वोट के लिए फिर हनुमान जी याद आ गए। लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी, जाकी रही भावना जैसी। अब बताइए केक में हनुमान जी बनाए जाते हैं, ये सनातन परंपरा का अपमान नहीं? शिवराज कमलनाथ को बगला भगत कह रहे हैं और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कमलनाथ की तुलना औरंगजेब से कर रहे हैं। मंदिर की प्रतिकृति पर भगवान हनुमान जी की मूर्ति और उसका बर्थडे केक बनाकर टुकड़े टुकड़े कर देना सनातनी होने का दावा करने वाले लोग, मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त करने का ऐसा निंदनीय घोर कृत्य मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी ने किया था, ये उनकी याद दिला देता है। मानसिकता बदलिए कमलनाथ जी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी वालों को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। चारों ओर से कमलनाथ पर हमलों की बौछार। कांग्रेस के नेता और कमलनाथ भगवान से बड़ा अपने आप को मानने लगे। पहले तो आपत्तिजनक है कि मंदिर नुमा केक बनाना और उसको काटना, पर वो पार्टी जिसकी राष्ट्रीय नेता ही इटली की संस्कृति में पड़ रही है, जो राम मंदिर का विरोध करती है, जो राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र करती है, उस पार्टी के कार्यकर्ता से नेता से आप और अपेक्षा क्या कर सकते हो? इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। कमलनाथ जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए, इस्तीफा भी देना चाहिए। बताते चले कि ये तस्वीरें एक दिन पहले यानी 16 नवंबर की है। कमलनाथ का जन्मदिन 18 नवंबर को है, मगर दो दिन पहले ही जब वो छिंदवाड़ा में थे तो छिंदवाड़ा के कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन मनाया, मगर कहां मालूम था कि जन्मदिन के केक पर ऐसी जंग मच जाएगी। ये बात ये है, इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है, क्या करें बेचारे। कांग्रेस भी बीजेपी पर पलटवार कर रही है कि बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये सनातन धर्म के कोई ठेकेदार हैं क्या? इनका क्या लेना देना है सनातन धर्म से? और आज इनके पास कोई इश्यू नहीं बचा तो केक पे राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लेवल का आदमी है, एक्स सीएम के राष्ट्रीय नेता रहे हैं कमलनाथ जी, उनके केक काटने पे सवाल उठा रहे हैं। ये इनकी जो जमीन खिसक गई है, जिसका प्रतीक है, बौखला रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के एमपी पहुंचने से पहले हंगामा मच गया है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।